ग्वालियर में दुकान बंद करके घर लूट रहे सराफा कारोबारी से कट्टे की नोक पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों की संख्या 5 बताई जा रही है और बदमाश सराफा कारोबारी से 2 बैग लूटकर भाग निकले हैं, जिसमें करीबन 20 लाख रुपए के सोने के आभूषण बताए जा रहे हैं। उपनगर ग्वालियर में किला गेट पर सेवा नगर के सृष्टि अपार्टमेंट में रहने वाले शैलेंद्र गोयल नामक सराफा कारोबारी की दुकान है। शाम तकरीबन 8:30 बजे शैलेंद्र दुकान बंद कर बाइक से घर की ओर लौट रहे थे। इस दौरान शैलेंद्र पर 2 पिट्ठू बैग थे। एक बैग में टिफिन और पानी की बोतल थी तो वहीं दूसरे बैग में तकरीबन 450 ग्राम सोने के आभूषण और दुकान की चाबियां थी। अभी शैलेंद्र घर से महज 100 मीटर की दूरी पर सेवा नगर कब्रिस्तान के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से बाइक सवार 3 बदमाशों उन्हें ओवरटेक करके रोक लिया। बदमाश शैलेंद्र से बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि शैलेंद्र ने विरोध भी किया। इस बीच एक्टिवा सवार 2 बदमाश और आ गए। बदमाशों ने एक हवाई फायर किया और शैलेंद्र पर कट्टा तानकर गोली मारने की धमकी दी। इस बीच बैग पर शैलेंद्र की पकड़ ढीली होते ही बदमाश दोनों बैग लूटकर भाग निकले। वहीं लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर की नाकाबंदी करते हुए बदमाशों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। दुकान बढ़ाकर आ रहा था मैं घर पे। एक बैग पीठ वाला पिट्ठू बैग था, एक गाड़ी पे टंगा था। पहले उन्होंने बाइक से आया, बैग छुड़ाने की कोशिश करी तो बैग तो एकदम निकला नहीं, तो मैं गिर गया वहीं गाड़ी से। उन्होंने गाड़ी रोकी, फिर बैग छुड़ाया उन्होंने, तो मैंने फिर भी नहीं छोड़ा भाई। घर जा रहा था अपने दुकान बढ़ा के। तो कितने लोग थे? पहले 3 लोग आए हैं, फिर 2 लोग आए हैं, टोटल 5 लोग। पहले उन्होंने बैग छुड़ाने की कोशिश करी, बैग मैंने छोड़ा नहीं, फिर एक ने खट्टा भी निकाला, बोले गोली मार इसको। मैंने मार दे गोली, मैं धक्का भी दिया एक को, मैंने मार दे गोली। फिर जितने में 2 लड़के और आ गए, वो सब लोग आ भी हो गए। तो पहले 2-3 लड़के आए थे, वो बाइक से आए थे, फिर 2 लड़के एक्टिवा से थे। एक पे था कट्टा ही देगा और मांग गया था। मैं बैग था, बैग में सामान पूरा बैग ले गए दोनों बैग। अंदर 400-450 ग्राम करीब होगा। 400 ग्राम करीब, मतलब 20 लाख के आसपास अंदाजी। एक टेम्पो वाला रोका था साहब, लेकिन उसने कोई उतरा नहीं उसमें। मैंने कहीं भी मैंने लूट रहे हैं लूट रहे हैं, लेकिन वो कोई उतरा नहीं उसमें। पीछे से ही आए तो पीछे करके ही आ रहा हूँ। या तो नहीं कह सकता आपस वाला कौन, चोट तो यहाँ आई है सर। क्या मारा था उन्होंने? हाथ से कुछ मारा था, पता नहीं हाथ में क्या था, अंधेरा था तो इतना देख नहीं पाया। पूरे नाम क्या लिखते हैं? शैलेंद्र गोयल। जो है वहाँ पे ये शैलेंद्र गोयल हैं, फरियादी हैं, जो अपनी दुकान है इनकी किला गेट पर, वो बंद करके लौट रहे थे तो उनके साथ ये वारदात हुई है। तो इसमें हम लूट का प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और लगातार इसमें एसपी सर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 से 4 टीमें बना दी गई हैं और हम लोग लगे हैं और इसका बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। कहाँ जा रहे थे? ये इनका पास में ही घर है यहाँ से 100 मीटर दूर, और ये किला गेट पर इनकी मस्जिद के सामने शॉप है इनका, उसका सोने चांदी का, तो उससे ये बंद करके लौट रहे थे और करीब 8 बजे के आसपास ही घटना है। तो क्या ये कहना है, कितने लोग थे? उनका ये कहना है कि 2 लोग पहले मोटरसाइकिल से आए, उसके बाद 3 लोग फिर आए हैं, जिस ढंग से ये घटना जी हथियार की भी बात बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कट्टा था तो सब लोग लगे हुए हैं। कट्टे का माल क्या था उसमें? अभी उन्होंने ज्वेलरी बता रहे हैं, 250-300 ग्राम के आसपास ज्वेलरी होगी। तो जो भी जो बताएंगे वो हम लोग उसको लिख के और कार्रवाई करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।